नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप देख रहे हैं मगध संवाद। आज की खबर रोहतास से। नियोजित शिक्षकों के हड़ताल के आठवें दिन भी रोहतास में शिक्षक हड़ताल पर डटे रहे। काफी संख्या में शिक्षक यहां पहुंचकर अपनी मांग समान काम समान वेतन, समान सेवा शर्त, पुरानी पेंशन को लेकर धरने पर डटे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। शिक्षकों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। एमपीपी मास पोलिंग ऑनलाइन करके शायद कुछ पत्र है जो बिहार बोर्ड से पत्र आया है, आप लोगों ने यह देखा, वो बार बार पत्र निकाला। पहला पत्र क्या निकला? हड़ताल, जो लोग हड़ताल में सम्मिलित हैं उनको बर्खास्त करो, जो लोग वीक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं उनको बर्खास्त करो। अब कह रहा है कि जो लोग मूल्यांकन में बाधा उत्पन्न करेंगे उनको बर्खास्त करो। बिहार बोर्ड के किसी धाराओं के तहत इन पर कानूनी कार्रवाई निर्धारित किया जाए। मेरे भाइयों बहनों, आप बिल्कुल अस्वस्थ रहें। किस तरह की कितनी इनको एफआईआर करेंगे, आपकी संख्या कितनी है, आप तो स्वयं डर जा रहे हैं। आप वो बिल्कुल पत्र जो है आपको 26 को जो काम करना था और आप 17 से हड़ताल में बने हुए हैं, तो पहला ये कि कुछ लोगों को दो चार दिन पहले लेटर आया, उनको तो लेटर किसी तरह से रिसीव ही नहीं हो पाया क्योंकि वो तो विद्यालय में है नहीं। जो लोगों ने पत्र रिसीव किया जो 15 या 16 को, मैं कहता हूँ कि आप जब संघ के एवं विभिन्न समन्वय समिति के आह्वान पर आप हड़ताल में चले गए, तो आप जब हड़ताल में हैं तो आप योगदान कैसे करें? आपको उस समय फंसा दिया जाएगा जब आप ज्वाइन करते हैं, तो 11 दिन फंस जाएगा आपका। उस समय आपका किसी संगठन कोई साथ नहीं देगा, इसलिए आप याद रहिए, आप जमात के साथ चलना सीखें। अकेला चना भाव नहीं फोड़ता और हमारी ऊर्जा, हमारी हौसला तभी मिलती है जब आप हमारे बीच उपस्थित होकर हम बैठे रहते हैं धरना पर। और यह पुनः मैं विश्वास दिलाता हूं, जब रोहतास की धरती से दो शिक्षकों पर यदि बर्खास्त नहीं हुई तो क्या समन्वय समिति इसके साथ खड़ा नहीं हुआ था? आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आप लोगों ने नहीं देखा? क्या समन्वय समिति के घटक दल डीओ को नहीं घेराव किया, डीओ को नहीं पूछा, डीओ ने उस पत्र को दबा दिया? आप यह भी जाने, 1, 2, 3 का तो नहीं है ना, हड़ताल पर है। अब बाद में लेकर निकलेगा, जो हेडमास्टर है उनको विद्यालय खोलना पड़ेगा क्योंकि एमडीएम चलाना है। तो धीरे धीरे करके आप लोग चले जाइए। आए क्यों थे? क्या आपका लक्ष्य सिर्फ समंजन है? क्या आपका लक्ष्य सिर्फ हड़ताल से बैठ करके 7 दिन का हाजिरी बन जाए, वही आप कहते हैं? आपने अभी आया है तो याद रखिए, सरकार डरी हुई है और जितना भी पत्र निकाल रहा है गैर संवैधानिक है। पुनः दूसरी मैं आपको बताता हूँ, आज या कल न्यायालय में जनहित याचिका दायर होने जा रहा है समन्वय समिति के तरफ से, और समन्वय समिति आज बैठक कर रही है पटना में। आंदोलन उग्र होगा और जेल भरने की जरूरत पड़ी। जो आप बबलू भाई ने एक बात कहा, विभिन्न संगठन के जो लोग आम शिक्षक आ रहे हो आगे बैठे, मेरे भाई अभी इसलिए नहीं जरूरत पड़ रही है, इन नेताओं को पहले आगे बैठाएंगे और जेल भरने की अगर जरूरत पड़ेगी तो इन नेताओं को भी पहले ले जाएंगे। और देखा देखिए शिक्षक एकता जिंदाबाद। दूसरी बात, क्या आपको लगता नहीं है, आप ही को पत्र आया है, पत्र हमारे विभिन्न यहाँ बैठे उपस्थित बहुत सारे सदस्यों को और पद पर बने हुए संगठन के संगठन नेतृत्वकर्ता पर भी आया है, और उसके लिए आज समन्वय समिति ने पहल करके एक पत्र जारी किया है डीओ को, एनपीपी से पूर्व हमारे सभी शिक्षकों को हटाइए क्योंकि हम हड़ताल में हैं। हमने आपको पूर्व में भी सूचना दिया है, हमने आपको भी आज सूचना दिया है। माध्यमिक शिक्षक संघ आपके साथ कल आ रहा है, आप योगदान कहाँ करने जा रहे हैं? माध्यमिक शिक्षक संघ 25 को हड़ताल में आ रहा है, माध्यमिक शिक्षक संघ के कोई लोग योगदान नहीं करेंगे, आप चले हैं योगदान करने? आपको इंटर की कॉपी का मूल्यांकन कराया जा रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ माननीय नीतीश कुमार से कि जब ड्राइवर जो है बस का, उसको ट्रेन चलाने दे दीजिए, वो भी ड्राइवर है, और ट्रेन के ड्राइवर को आप प्लेन चलाने दे दीजिए।
आप लोग तंत्र में क्या कर रहे हैं? राजतंत्र चलाना चाहते हैं? और यह राजतंत्र नहीं चलेगी, हम राष्ट्र निर्माता हैं। और राष्ट्र याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, यह 4 लाख शिक्षकों की आंदोलन है। अगर यह आंदोलन कुचल दिया गया तो भविष्य में कभी किसी संगठन की वो मजाल नहीं और किसी भी कर्मचारी संगठन को यह हड़ताल करने की चेष्टा नहीं। मेरे साथियों, आप लगे हैं, आप अडिग हैं और अडिग रहेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। आज विधानसभा सत्र खुलने नहीं गया, विपक्ष आपके साथ है। 243 बहुमत की बात करते हैं, आपके साथ तो 185 को तो विपक्ष में खड़ा है, आपके साथ 125 को विपक्ष में खड़ा है, आपके मांगों को समर्थन देने जा रहा है और दे रहा है। आप नहीं डरिए, हौसला रखिए, जीत सुनिश्चित होगी। और सरकार जब भी याद करिएगा, 2015 पर भी जो भी समझौता हुआ था, समझौता पत्र हम लोगों ने डाला था, वो पहला समझौता होता है कि किसी भी शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई को वापस लिया जाए। दूसरा होता है आपका सेवा जो भी अटूट हुई हड़ताल में गए उसका समंजन होता है। क्या आप लोगों ने दो बार हड़ताल किया, 2015 में और 2017 में हड़ताल किया, आपको समंजन नहीं हुआ है क्या? आप यदि डर जाएंगे तो इन नेतृत्वकर्ता से मैं पूछता हूँ, बार बार आपके लिए लिखित सूचना और सत्ता पड़ने पर बीओ को मिलना और प्रदेश ले लेकर के राज्य तक, जिला तक लोगों ने आपकी अग्नि पंक्ति में आपकी आवाज को रखा है। आप नेतृत्वकर्ता पर रहिए और जो होगा 4 लाख के साथ होगा। अभी रोहतास की धरती पर किसी भी शिक्षक को अगर किसी तरह की केन तरीके से अगर किसी पर कार्रवाई होती है तो समन्वय समिति आपके लिए पहला पक्ति में आने के लिए तैयार होगा। इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं अपनी बारी को विराम करता हूँ। शिक्षक एकता जिंदाबाद, दम है कितने दमन में तेरे, दम है कितने दमन में तेरे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी। धरने के आठवें दिन आप किस मांग के तहत यहां बैठे हुए हैं? बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले हम लोग दिनांक 17 फरवरी से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहकर धरना का आयोजन किए हैं। और इसमें हम लोगों ने समान काम का समान वेतन, सेवा शर्त, सहायक शिक्षक का दर्जा सहित अन्य मांगों को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बने हुए हैं। और यह सरकार हमारे आंदोलन को जो कुचलने का प्रयास कर रही है तुगलकी फरमानों के जरिए, तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप शिक्षकों का धैर्यता को मत तोड़िए। शिक्षक अभी धैर्यवान हैं और अपने धैर्यता का परिचय दे रहे हैं। यदि अपना धैर्य खोए तो आपके एक भी विधायक घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा और सत्ता पक्ष से जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उन सभी से हमारा अपील है कि आप हमारे समर्थन में हमारे मांगों को लेकर आप सदन में आवाज उठाइए। विपक्ष से भी हमारा गुजारिश होगा कि आप शिक्षकों के जायज मांगों का समर्थन करें और तुगलकी फरमान जिस तरह का गैर संवैधानिक है उसके लिए हम लोग उच्चतम न्यायालय में भी जाकर आपको खींचने का काम करेंगे कि आप लोकतंत्र के देशों, लोकतांत्रिक देशों में आप राजतंत्र चलाना चाहते हैं जो बिल्कुल निराधार है। आपका वाहिद अनवर, जिला महासचिव परिवर्तनकारी प्रांतीय शिक्षक संघ, सह सदस्य सचिव मंडली शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति। Thank you.